गले का ये डिज़ाइन बनाने के लिए अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत आपका ये गला लगेगा। तो इसको बनाने के लिए इसका सबसे पहले साइज़ समझ लें कि ये मैंने क्या क्या साइज़ रखा है इस गले का। 16 इंच आपने टोटल लेंथ रखनी है आपकी स्ट्रेट में और 4 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। इसके अलावा 2 बाई 2 इंच के मैंने ये स्क्वायर शेप में पीस कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपने गले की तीनों साइड पे इस तरह सिलाई लगानी है और उसके बाद बुकरम के किनारे पर बिल्कुल एक और सिलाई लगानी है निशान के तौर पर, ताकि दूसरी तरफ सिलाई जो है वो नज़र आएगी, उसके ऊपर रख के हम ये पीस लगाएंगे। तो ये देखें, गला आपने इस तरह कटिंग करना है और साइज़ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपने इस पीस को इस तरह ओरेप में फोल्ड करना है इस तरीके से। ये मैं आपको एक दो बना के दिखा देता हूँ। इस तरह आपने बनाना है और यहाँ पर आपने एक सिलाई लगानी है आधे इंच के, बस आपने ये रेडी करने हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप ये बनाएंगे 4-5 तो आपका हाथ सेट हो जाएगा इस पर, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। तकरीबन आपने ये 20 से 22 आपने ये बनाने हैं इस गले में लगाने के लिए। तो ये देखिए मैंने बना लिए, और उसके बाद आपने करना ये है कि इसको अलग अलग करने के बाद सिर्फ एक पैर का दबाव छोड़ के आपने बाकी जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है ये आपने कटिंग करना है। देखिए इस तरह आपने बिल्कुल फिनिशिंग पे लगाना है। और ये देखिए ये मैंने 3 बना लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह बनाना है। अब इसके बाद ये जो सिलाई मैंने लगाई है इसके ऊपर ही ये निशान के तौर पे सिलाई लगाई थी, अब इसके ऊपर रखना है। इसको रखना किस तरह है कि सीधी तरफ जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, आपको नज़र आनी चाहिए, और उल्टी तरफ नीचे की तरफ हो, उल्टी साइड जो है वो नीचे की तरफ हो, और इसका जो दबाव है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और जो राउंड साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो ये लगाते हुए आपने ख़ास तौर पे ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो उसी सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, उससे आउट नहीं होनी चाहिए। और इस तरह मैंने इसमें जो गैप रखा है वो 2 सूत का सिर्फ गैप रखा है। अगर आप चाहें तो इसको मिलाकर भी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें गैप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अब यहाँ पे नोक पे आके आपको रोकना है, और उसके बाद आपने दोनों तरफ की बिल्कुल एक जैसी सेटिंग रखनी है कि इसका गैप भी एक जैसा हो, और जितने आपने एक साइड लगाएं दूसरी तरफ भी उतने ही बिल्कुल आपने काउंट करके लगाने। बस यहाँ पे आपको इसका जो है थोड़ा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, दोनों तरफ देख के बिल्कुल एक जैसे जो है वो आपका दोनों तरफ का लुक आना चाहिए। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसमें मैंने ये टोटल कितने लगाए, आप काउंट कर सकते हैं अगर आप इस साइज का गला बनाते हैं तो। अब ये देखें ये मैंने उल्टी तरफ सारे लगा दिए हैं। अच्छा, ये कंट्रास्ट इसलिए मैंने इसमें कलर दिया है क्योंकि दामन पे इस पर ये बॉर्डर बना हुआ था, तो इसलिए मैंने इसके ट्राउज़र के कपड़े का ये इसमें इस्तेमाल किया है। अब इस गले को आपने इस तरह लगाना है कि पहले सेंटर क्रीज पे एक सिलाई लगाना है गले को रोकने के लिए, जो सेंटर क्रीज है वो नीचे की भी ऊपर वाली से मिलनी चाहिए। इस तरह आपने यहाँ ला के सिलाई ख़त्म करनी है, उसके बाद दोबारा से ऊपर से स्टार्ट करना है, और जो आपने दूसरी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर बिल्कुल सिलाई आनी चाहिए, अंदर ना जाए सिलाई, बुकरम के ऊपर ही आनी चाहिए। मतलब जो नीचे सारे पीस हैं वो दबने चाहिए सिलाई के अंदर, ऐसा ना हो कि बाद में सिलाई नज़र आए सीधी तरफ। ये लगाने के बाद आपने एक पैर का दबाव छोड़ के कपड़े को कटिंग करना है, और यहाँ पे नोक पे आपने एक कट लगाना है और इसके 4 साइड बारीक बारीक से कट लगाने, सिलाई ना कटे ये ध्यान रखना आपने। और उसके बाद इसको पलट के मैं प्रेस लगा लूँगा तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने इसको प्रेस लगा ली। अब ये जो इसके अंदर का जो पीस निकला था, यहाँ से आपने ऊपर से गला नापना है अपना, जो भी साइज़ रखना है 7 इंच या 6 इंच जो भी, और वहाँ आपने निशान लगाना है, और उसके बाद ये जो ऊपर का पीस है इसको निकाल देना है कटिंग करके। अब आपने एक और डबल फोल्डिंग हुआ पीस लेना है बुकरम का, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालते हुए मतलब इससे एक पैर बढ़ता हुआ कटिंग करना है, एक और पीस बिल्कुल इसी शेप में। जितना आप बढ़ता हुआ रखेंगे उतना ही आपको दबाव लेना है इसको लगाते हुए,
तो ये कटिंग करने के बाद इसको मैं इसी के सेम कपड़े पर चिपका लूँगा। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है, अब इसको बिल्कुल बराबर से आप कटिंग कर दें, क्योंकि दबाव इसमें बुकरम में ही रखा हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लें और इस तरह के कोई एक्स्ट्रा पीस लेकर इसको इस तरह पलट लें। तो ये जब तक मैं पलट रहा हूँ और सिलाई लगा रहा हूँ, तब तक अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का जो है अंदर का रेडी हो चुका है। बस आपने ये रखना है और एक पैर का दबाव रखते हुए इसको लगाना है किनारे की सिलाई से, और गले के बैक साइड पे जो है लास्ट में आप तुरपाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गले में तुरपाई की है, सिलाई सिर्फ मैंने इसके यहाँ पर लगाई है जहाँ आपको नज़र आ रही है। और इसी के साथ ये रेडी हो चुका है और ये इस गले का फाइनल लुक है। अगर आप इसको किसी और अच्छे कलर में बनाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।